यहाँ पर हम फोर्ट टाइप का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ इंटीग्रेशन जो अपन कर रहे थे वो लेते हैं। तो जो फोर्थ टाइप है वो ये है इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे आपको यहाँ पर कोई लीनियर टर्म दे रखी होगी उसको लीनियर वन बोलो, और अंडर रूट में कुछ लीनियर दे रखा होगा तो लीनियर अंडर रूट लीनियर डिवाइड के अंदर, या फिर सब कुछ कुछ इस टाइप का, ऊपर कोई लीनियर दे रखा है और नीचे कुछ लीनियर दे रखा है इस टाइप के, ये दोनों लीनियर अलग अलग है, ऊपर अलग लीनियर समथिंग कुछ डिस टाइप का लीनियर, जिसमें एक तो क्वाड्रेटिक में टर्म होगा लीनियर का और एक सिंपल लीनियर टर्म होगा। तो इस तरीके के इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं, तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे अपन को इस वाले फॉर्म का दे रखा है यहाँ पर, ये लीनियर और अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, ये अंडर रूट में भी लीनियर, काफी जो लीनियर वाली क्वांटिटी है ये इसके अंदर अंडर रूट में इसको टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट यानी टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करता है, उसके बाद यहाँ से dx की वैल्यू 2t dt आ जाएगी, x की वैल्यू t²-1 आ जाएगी, dx की वैल्यू 2t dt पुट करेंगे, x की वैल्यू t²-1 करेंगे t²-4 अंडर रूट में t², उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 2t dt t²-4 t 2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो क्या जाएगा, और इसका अपन ने पढ़ा था 1/(2a)log(t-2)(x-4)x+1) ये पढ़ा था अपन ने, तो यार टी है तो टी की फॉर्म में लिखेंगे। तो जो फाइनल आंसर होगा लास्ट में, जो अपन ने टी की वैल्यू मानी थी जो कि यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x+1 हो जाएगा, क्योंकि अपन ने x+1 को t² माना था, तो x+1 का अंडर रूट इज इक्वल टू टी आएगा, लास्ट में यहाँ पे पुट कर देंगे तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो जो लीनियर जो अंडर रूट के अंदर है उसको t² या सब्स्टिट्यूट करना है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।